प्रिय विद्यार्थियों, बगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार। पिछले ऑनलाइन क्लासों में हमने वाक्य विचार में वाक्य की परिभाषा, वाक्य के भाग, उद्देश्य और विधेय, और वाक्य के भेद में दो प्रकार के वाक्य भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। उसमें हमने पिछले ऑनलाइन क्लास में पढ़ा था अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, जिसमें हमने तीन भेदों को पढ़ा था, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में हमने पढ़ा था जिन वाक्यों में किसी काम के होने या करने का सामान्य कथन हो, सामान्य जानकारी हो, उन्हें हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक वाक्य में हमने पढ़ा था जिन वाक्यों से किसी काम के होने या किसी काम के न होने या न करने का बोध हो, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तीसरा पढ़ा था हमने प्रश्नवाचक वाक्य, वे वाक्य जिनके द्वारा किसी का प्रकार का प्रश्न किया जाता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और इच्छावाचक। आज्ञावाचक वाक्य में हम पढ़ेंगे किसे कहते हैं, जिन वाक्यों से हमें आज्ञा मिलती है, अनुमति मिलती है या प्रार्थना मिलती है या कोई उपदेश हमें प्राप्त होता है, ऐसे वाक्यों को हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं, जिनसे ये से भाव हमें प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, कृपया बैठ जाइए, बड़ों का सम्मान करो, बड़ों का सम्मान करो, इसमें हमें उपदेश मिल रहा है। कृपया बैठ जाइए, इसमें हमें आज्ञा मिल रही है, अनुमति मिल रही है। इस तरह से इसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। फिर है संकेतवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से किसी संकेत या शर्त का हमें बोध, जानकारी प्राप्त होती हो, उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक वाक्य जी देखिए, यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होंगे। इन वाक्यों में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर भी रहती है, यदि परिश्रम करोगे तब सफल होंगे, यानी सफलता मिलने का कारण है परिश्रम करना। ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं, जिनमें संकेत या शर्त का बोध होता हो। फिर है इच्छावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद और शुभकामना आदि का भाव प्रकट होता है, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, तुम्हारा दिन मंगलमय हो, इसमें आशीर्वाद, इच्छा, शुभकामना होती है, उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो आज के ऑनलाइन क्लास में हमने देखा वर्ग के आधार पर वाक्य के भेद में तीन भेदों को देखा, पढ़ा आज्ञावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और इच्छावाचक वाक्य। इसके बाद के अर्थ के आधार पर जो शेष दो वाक्य हैं वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।